फर्जी नाम और पता बताकर ठगी में लिप्त अंतर्राज्यीय गिरोह की दो महिला सहित 14 आरोपियों का सालों बाद भी शहर पुलिस ने कोई सुराग नहीं मिला है। इन्होंने शहर के एक व्यक्ति को कैंसर की आयुर्वेदिक दवा खरीदी बिक्री करने का झांसा देकर लाखों रुपए का चिनाया लगाया है। इस प्रकरण में दो आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन गिरोह के शेष सदस्यों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। पाचपौली क्षेत्र की सुजात नगर निवासी धर्मेंद्र निकोसी नामक व्यक्ति की फेसबुक पर ओता मैसेस नामक महिला ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। बातचीत में ओता ने बताया था कि वह यूके के बेटर लाइफ फार्मास्यूटिकल कंपनी में पदाधिकारी है। कंपनी यूरोलिका हर्बल बीज खरीदी बिक्री करती है। इस दवा से कैंसर का इलाज किया जाता है। झांसे में आया धर्मेंद्र यह बिजनेस करने के लिए तैयार हो गया। पश्चात ओता ने अपना सहयोगी बताकर डॉक्टर टोनी मूर का मोबाइल नंबर और मेल आईडी दिया। टोनी ने भारत में बिजनेस करने के लिए सुनीता शर्मा नामक महिला का नंबर धर्मेंद्र को दिया। सुनीता के कहने पर धर्मेंद्र ने विविध बैंक खातों में 12,40,000 रुपए जमा किए। इसके बाद 15 मार्च 2017 को धर्मेंद्र को मुंबई बुलाया गया। धर्मेंद्र मित्र के साथ मुंबई पहुंचा तो वहां उसे सीएसटी स्टेशन के पास कैफे कॉफी डे में मोनिका नामक विदेशी महिला मिली, लेकिन उसने धर्मेंद्र को कैंसर की कोई दवा नहीं दी। जी, इसमें पाचपौली में क्राइम रजिस्टर है अंडर सेक्शंस 416, 420, 465, 468, 469, 471, 34 ऑफ आईपीसी, जिसमें कि एक धर्मेंद्र संभाजी निकोसे नाम के व्यक्ति को किसी ने ओटा मेसी नाम के एक फेक फेसबुक अकाउंट से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। इसने उसको एक्सेप्ट किया। उसको बोला गया कि बटर लाइफ फार्मास्यूटिकल नाम की हमारी कंपनी है, जिसमें कि जो भी प्रोडक्ट्स हम बेचते हैं वो इंडिया में काफ़ी सस्ते में मिलते हैं, तो अगर हम एक दूसरे के साथ मिलकर व्यवहार करते हैं तो अच्छा मुनाफा होगा। इस व्यक्ति ने उनकी बातों पे यकीन किया और उनकी बातों में आके करीब 12,40,000 रुपये उनको दिए, जिसका कि बाद में उन्होंने चीटिंग किया। इसमें ये इन्वेस्टिगेशन 2017 के बाद 3 साल बाद हमारे साइबर पोल्यूशन में आया, जिसका कि असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर मिस्टर केशव वाघ इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है और उन्होंने इसमें 2 एक्यूज़ को 3 साल बाद अरेस्ट किया है। श्रीमती दिलीप बुटाला और बिलाल अहमद देशमुख, इनको अरेस्ट करके इनको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस किया गया था। उनका पीसीआर लेके जो भी लीगल प्रोसीजर पूरा हुआ, उसके बाद एक थर्ड आरोपी जो है विजेंद्र तनवर, इनसे करीब 75,000 रुपीज़ हम रिकवर कर पाए हैं और इसमें बाकी टोटल 13-14 आरोपी अभी है जो कि अरेस्ट होना बाकी है। इस प्रकरण में लिप सुनीता, ओता, डॉक्टर टोनी, मोनिका, साबा अमीर हसन, ठान निवासी सुग्रीव रंजन सानी, मुंबई शैलेंद्र पांडे नवी मुंबई, उच्चेना इगुवाले चीव संतोष मिश्रा, सोहिल खान हैदराबाद, अनिल कदम, अजय शाहू ठाणे और मनीष जैन के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। यह गिरोह फर्जी नाम और पते ठिकान बताकर कई लोगों को चुना लगा चुके हैं। पूर्व में इनके 2 साथी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन आरोपी अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगे है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।